हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड का हॉल, जो कि मैंने purple.com से लिया है। एंड सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फॉर एक्यूरेट प्राइसेस, डिस्काउंटेड प्राइसेस, आप उन लिंक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लिए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वेट एंड वाइल्ड बाहर का ब्रांड है, इंडिया में ईजिली अब अवेलेबल हो गया है। प्राइस भी अफोर्डेबल है, क्वालिटी बहुत हाई है, एंड द बेस्ट पार्ट, क्रुएल्टी फ्री है, एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं है, जो चीज़ मेरे लिए पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस प्राइमर वाटर स्प्रे। मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है, ये वेट एंड वाइल्ड के मेकअप प्रोडक्ट से क्रिएट किया है, जिसका वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो उसमें मैं आपको फर्स्ट इम्प्रेशंस रिव्यू वगैरह शेयर करूंगी। अभी बस मैं क्विकली आपको हॉल दिखा रही हूँ कि मैंने लिया क्या क्या है, जस्ट फॉर द फन पार्ट, कि पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिया है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो ये बहुत सुंदर सी पैकेजिंग में है, प्राइमर वाटर है, जिसको बाद में मेकअप के बाद में भी लगा सकते हैं। आप जस्ट स्प्रेड इट, मेकअप एकदम से वापस से इंटेंस हो जाता है, एकदम से ग्लो करने लग जाता है। सो प्राइमर वाटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सभी प्रोडक्ट्स जो है वो 500 रुपये के आसपास हैं, 500 से कम है या फिर 500 के अराउंड होंगे, एंड क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलने वाली है, बिकॉज मैंने ट्राई किया है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशंस वाला वीडियो देखने के बाद आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो, जल्द ही अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, विच इज़ आई शेडो प्राइमर। प्राइमर के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आई शेडो प्राइमर। सो आई शेडो प्राइमर जो है मेरे पास है नहीं, सिर्फ एक NYX का था, मतलब है अभी भी, बट और भी चाहिए होता ना, वो बहुत क्रीमी क्रीमी है। सो आई टुक दिस वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो प्राइमर, बिकॉज ये वाला थोड़ा ड्राई होकर के सेट हो जाता है एंड ज़्यादा क्रीमी नहीं रहता, बिकॉज आई हैव वेरी ऑयली स्किन, स्पेशली मेरी आईलेट्स जो हैं बहुत ऑयली है, तो मुझे मेरे मेकअप को टिका करके रखना है, एंड दिस प्रोडक्ट वर्क्स वंडरफुली। ये एक्चुअली आई मेकअप को एज इट इज़ टिका करके रखता है। सो दिस इज़ देयर आई शेडो प्राइमर। ये ऐसे ट्यूब फॉर्म में है एंड इस तरह से नन्ना सा आपको लेना है, जस्ट अ टाइनी माइनी ड्रॉप, इस तरह से ये दिखता है, बिल्कुल ज़रा सा आप लेंगे। ये पहले ही मेरे हाथ पे लगा हुआ है, ये ऐसे जम जाता है, उतरता नहीं है, ना ही इसके ऊपर से फिर आई शेडो उतर पाता है, ग्लू की तरह चिपक जाता है। सो इट इज़ एन आई शेडो प्राइमर। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है वो है ये वेट एंड वाइल्ड की रिट्रैक्टेबल आईब्रो पेंसिल। जैसे बहुत महंगे वाली आईब्रो पेंसिल्स आती हैं एनेस्टाशिया बेवरली हिल्स की, बेनिफिट्स की मेरे पास है, बट वो क्रुएल्टी फ्री नहीं है, तो इसलिए आई जस्ट अवॉइड रीपरचेजिंग दैट अगेन एंड अगेन। अच्छी है, एंड इसके एक साइड में स्पूली मिलेगा आपको, ठीक है, आईब्रो हेयर को ऐसे कॉम करने के लिए। इफ़ यू हैव गुड डिसेंट आईब्रो हेयर, देन आप इससे अच्छे से कॉम कर सकते हो, मेरे तो है ही नहीं, मैं कहाँ से करूँगी। एंड ऐसे ये एंगल शेप वाला आईब्रो पेंसिल और रिट्रैक्टेबल है, शार्पनर की कोई ज़रूरत नहीं है, अफोर्डेबल है, डैम गुड क्वालिटी, लॉन्ग लास्टिंग है बहुत ज़्यादा। मैंने और मेरे से हमेशा आईब्रोज बराबर शेप के बनते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक आड़ा टेढ़ा हो जाए, एक ऐसे हो जाए, अदरवाइज मेरे हो जाते हैं वैसे। इससे हमेशा परफेक्टली शेप बनता है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलती है। सो क्विक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, परफेक्ट डार्क ब्राउन ब्लैक काइंड ऑफ कलर, जो इंडियन स्किन टोन्स के लिए परफेक्ट है। सो आई रियली 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 लव दिस आईब्रो पेंसिल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट अब मेरे पास यहाँ पर है वेट एंड वाइल्ड कवरऑल कंसीलर पैलेट। तो ये छोटू सा प्यारा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है एंड इस तरह से ये खुलता है, और इसके बाद आपको इसमें एक मिलता है ये क्रीमी सिल्वर वाला शिमर वाला चीज़, जो कि ग्लो के लिए है, लाइक यू कैन यूज़ इट फॉर योर हाइलाइटिंग थिंग, एंड इसके ऊपर से आप अपना पाउडर हाइलाइटर लगा सकते हो या फिर आप सिर्फ इसको भी लगा सकते हो। आई एम ऑलरेडी हैविंग माई हाइलाइटर ऑन, तो इतना पता नहीं चल रहा है, हाथ पर ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल नेचुरल ग्लो काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, और बिल्कुल भी चंकी नहीं है, एक शिमर का पार्टिकल भी नहीं दिख रहा है फिलहाल अभी तक तो। सो बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो वाला लुक दे रहा है, सिल्वर है तो मीडियम टू फेयर स्किन टोन्स पर बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वी हैव द कंसीलर थिंग, जो कि येल्लोइश ऑरेंजिश अंडरटोन में है, अच्छा कवरेज है, ना ही ज़्यादा क्रीमी है ना ही ज़्यादा ड्राई है, जस्ट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी टू हाइड योर डार्क सर्कल्स और ब्लेमिशेज। एंड देन वी हैव दिस
पिंक कलर का करेक्टर जो कि आप बाद में अपने आई मेकअप सॉरी अंडर आई एरिया पर लगा सकते हो और मैट हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो पिंक करेक्टर, जिससे बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाती है स्किन. सो दिस इज़ देयर ब्राइटनिंग थिंग. एंड देन वी हैव दिस ग्रीन करेक्टर जो कि पिंपल्स के मार्क्स को छुपाने के लिए काम में आता है. इट हैज़ अ वेरी नाइस गुड क्वालिटी. नेक्स्ट अब मेरे पास है फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन. एंड ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है. इसका पैकेजिंग सिंपल सा है, नथिंग फैंसी, बहुत अच्छा नहीं है, बट इसका फाउंडेशन का क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है. आई जस्ट शो यू वन स्वॉच ऑफ इट ऑन माई हैंड. पम्प पैकेजिंग इसका नहीं है, आई प्रेफर पम्प पैकेजिंग, बट उसमें थोड़ा सा लास्ट का प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, तो इसमें वेस्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ऐसे करके आप निकाल सकते हो. बट हाँ, इन्होंने एटलीस्ट ये दिया है एप्लीकेटर, तो ईजिली आप इसकी मदद से अप्लाई कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लगाने में. एंड मेरा जो शेड है मेरी स्किन से मिलता जुलता एग्जैक्ट मैच, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा. एंड अब जो मेरे शेड का कंसीलर है और मेरे से एक दो शेड्स डार्कर स्किन टोन पे भी चल जाएगा, एंड जो मुझसे थोड़े और डार्क है उन पर एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर चल जाएगा. तो वो कलर है मेरे पास यहाँ पर मीडियम मोयन, एंड ये है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, जिसका क्वालिटी मैं बोलूँगी अगर आप मेबेलिन से कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बेटर लगी. पैकेजिंग काफ़ी सिमिलर है, बट इसकी वेट एंड वाइल्ड की ज़्यादा अच्छी है. आई थिंक अफोर्डेबल है वेट एंड वाइल्ड वाला ज़्यादा, और क्वांटिटी सिमिलर लग रही है, मुझे दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, काफ़ी सिमिलर लग रही है. थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा लंबा है. एंड इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशबू अच्छी है इसकी बहुत, और इस तरह से इसका कलर आएगा, येलो अंडरटोन में है अगेन ये, तो वेरी वेरी सूटेबल फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन्स. और कंसीलर का पैकेजिंग, कंसीलर दिखने में बहुत प्यारा है. अब हम लोगों को करना है अपना मेकअप सेट, तो अलग से मुझे पर्पल पर कोई कॉम्पैक्ट तो मिला नहीं, बट आई हैव गॉट दिस कॉन्टोर पैलेट जिसके एक साइड में आपको पाउडर कॉन्टोर मिलेगा, एक साइड में आपको ये पाउडर कॉम्पैक्ट टाइप की चीज़ मिलेगी, विच इज़ ग्रेट फॉर सेटिंग मेकअप. बहुत वेलवेटी स्मूथ सा टेक्स्चर है इसका और बहुत पिगमेंटेड है. कॉन्टोर भी जो है वो बहुत पिगमेंटेड है. आई हैव कॉन्टोर्ड माई फेस यूजिंग दिस थिंग. बहुत अच्छे से चिजल अप हो गया है मेरा फेस, बहुत नेचुरल सा ब्यूटिफुल सा लुक जो है मुझे मिला है. सो आई काइंड ऑफ रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट. मैं इसे बार 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 यूज़ करने वाली हूँ, मुझे इतना पसंद आया है. आई हाईली रिकमेंड दिस थिंग. एक्चुअली सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है अनडाउटेडली, एक चीज़ है जो थोड़ी कम पसंद आई है, एंड वो जो थोड़ी कम चीज़ पसंद आई है मुझे वो है ये ब्लशर. ब्लशर अच्छा है, लाइक कलर आ जाता है, पिगमेंटेड है, एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लेंडेबल भी है इनफैक्ट बहुत ज़्यादा. बट द थिंग इज़ दैट कि इसका कलर मेरे स्किन से बहुत लाइट है, तो इसलिए मेरे फेस पर नहीं आएगा. अगर डस्की स्किन टोन है आपका तो भी आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है. अगर आपकी स्किन बहुत फेयर है देन यू कैन गो फॉर दिस ब्लशर, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस कलर. मतलब यही ब्लशर में अगर डार्क कलर्स मिलता है डेफिनेटली गो फॉर इट मेरी स्किन टोन के लिए भी. बट अगर मेरा स्किन है या डस्की है तो ये कलर मत लेना. मैं लिंक दे दूंगी इसका, चेकआउट कर लेना. कलर दूसरा डार्कर वाला ले सकते हो आप. और ये ऊपर वाला जो है ये एज अ पाउडर मेरा यूज़ हो जाएगा, बिकॉज इसका परफेक्ट पाउडर वाला मेरा कलर है जो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ. बहुत सुंदर है, खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा है. सो ज़रा से यहाँ लगा करके देखती हूँ. इट विल एक्चुअली वर्क फॉर मी एज अ पाउडर ऊपर वाला पार्ट. एनीवेज नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं हम कि क्या है मेरे पास. ये है मेरे पास मेगा ग्लो हेलो लिक्विड हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड का, जिसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, टाइनी माइनी सा सुंदर सा है. सभी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बबल रैप होकर के आए थे, सबके ऊपर बहुत अच्छे से प्लास्टिक लगा हुआ था जिसको उतारने में मेरी बैंड बज गई, इतना ज़्यादा ही अच्छे से लगा हुआ था. एंड ये जो शेड है ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी मैं. और ये बिल्कुल परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन्स के लिए. श्रेया जैन का YBP गॉडेस जैसा सिमिलर इसका कलर है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सिमिलर है. आप इसको अपने फाउंडेशन के पहले आफ्टर योर प्राइमर लगा सकते हैं फॉर दैट ओवरऑल ग्लोइंग मेकअप बेस, या फिर आप ऊपर से अपने हाई पॉइंट्स पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने ब्रिज ऑफ नोज पे लगाया हुआ है, अपने चीक्स पर लगाया हुआ है. इट गिव्स अ वेरी नाइस नेचुरल सटल काइंड ऑफ ग्लो
विच आई एम टोटली लविंग. मुझे बहुत अच्छा लगा है, आज मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है एंड काफ़ी देर हो गई है मुझे लगाया. आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है ये कोल पेंसिल जो कि ब्राउन कलर की है एंड ये मैंने अपने यहाँ पर लोअर लास्ट लाइन पे और अपर लास्ट लाइन पे लगाई हुई है एंड इट हैज़ बीन क्वाइट अ वाइल. मेरे ऑयली आईलिड्स पे एक्चुअली स्टे कर गई है. दैट्स अ वियर्ड थिंग बट दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस. सो दोबारा यूज़ करके देखूंगी. अभी तो आई शेडो प्राइमर के साथ था, ऊपर तो टिका रहा. एक्चुअली लोअर लास्ट लाइन पे आई शेडो प्राइमर थोड़ी है, यहाँ भी टिकी हुई है एंड इट्स बीन क्वाइट फ्यू आवर्स नाउ कि एज इट इज़ टिका हुआ है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ अगेन एंड अगेन दिस थिंग. तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. इफ़ यू हैव वेरी ऑयली आईलिड्स लाइक आई डू, यू शुड ट्राई दिस आउट. काश ब्लैक में भी अवेलेबल होती तो मैंने श्योरली लेनी थी, बट ब्राउन भी अच्छा है, काफ़ी डार्क ब्राउन है, दिख रहा है मेरी आंखों पर. एंड हाँ, आंखों से याद आया, देन आई हैव दिस ब्यूटिफुल मस्कारा विच हैज़ द बेस्ट पैकेजिंग एवर. मैं इसे हमेशा से लेना चाहती थी एंड फाइनली मैंने ले लिया है. मुझे बहुत पसंद है इसकी पैकेजिंग. वेट एंड वाइल्ड रेनीगेड मस्कारा नाम है इसका. इसके ब्रिसल्स इस तरह से हैं जिससे कि लैशेज अच्छे से कोट हो जाएंगे एंड ये बॉल पॉइंट है जो कि जब मैं फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो करूँगी तब बताऊँगी इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ है. एंड इससे मस्कारा बहुत अच्छे से आँखों में लग जाता है. इट इज़ गिविंग नाइस नेचुरल लुक टू माई आई लैशेज, नेचुरल बट ब्यूटिफुल टाइप वाला लुक. थोड़े से आई लैशेज को कर्ल अप भी किया है, थोड़ा सेपरेट भी किया है, थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा लेंथ दिया है. सो काइंड ऑफ अ वेरी न्यूट्रल नेचुरल अच्छा मस्कारा. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई वाला यूं यूं ऐसे करके नहीं दिखाएगा, न्यूट्रल से लुक के लिए बहुत अच्छा मस्कारा है. और बात करते हैं आई मेकअप के बारे में एंड मैंने किया है आज यहाँ पर ये मेटालिक सब ब्यूटीफुल सा आई मेकअप जो कि मैं करने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ बट ये हुआ बहुत अच्छे से है. एंड आई शेडो प्राइमर जो है ये बहुत अच्छा है बट मैंने इससे कुछ गड़बड़ कर दी थी, इस वजह से थोड़ा आई मेकअप ऐसे हो गया. वो आपको फर्स्ट इंप्रेशंस में पता चलेगा बट स्टिल इट्स वेरी नाइस. एंड ये है आई शेडो पैलेट, दे हैव डिफरेंट शेड्स. मैंने जो लिया है वो ये वाला शेड है जिसका नाम पता नहीं कहाँ लिखा है, आई विल फाइंड आउट एंड उसका लिंक ही मैं दे दूँगी आपको डायरेक्टली ताकि आप यूज़ कर पाए. तो मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्लू वाला शिमर मेटालिक चीज़ यूज़ किया. इट इज़ वेरी पिगमेंटेड, लॉन्ग लास्टिंग और ये क्रीमी मेटालिक टाइप का है, बहुत अच्छा है. एंड वी गेट दिस दीज ट्रांजिशन शेड्स एज वेल और इन्होंने ट्रांजिशन लिखा भी हुआ है यहाँ पर इसको वो करके, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी. तो जिनको जो बिगिनर्स हैं पता नहीं है तो उनको पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन लाइन में क्रीज लाइन में आपको कौन से कलर्स लगाने हैं. सो दे हैव गिवन टू कलर्स, वन इज पीचिश ब्राउनिश जो बहुत ब्यूटीफुल है एंड दिस डार्कर वन. तो मैंने दोनों लगाए हूँ, ऊपर वो वाला एंड देन नीचे ये वाला. एंड इतना अच्छा ट्रांजिशन लाइन मेरा कभी क्रिएट नहीं हुआ जितना आज क्रिएट हुआ है. सो आई एम रियली लाइकिंग दिस पैलेट. बहुत न्यूट्रल है, बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत सिंपल सा अच्छा है. काश एक आई शेडो वो काश एक मिरर भी होता बट मिरर नहीं है. एनीवेज बहुत अच्छा है, बहुत मेटालिक और शिमरी क्रीमी से अच्छे वाले आई शेडोज हैं. सो आई रियली रियली लाइक इट. एंड नेक्स्ट अब जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है. सो कौन सी लिपस्टिक लगाई है मैंने, आई हैव दिस लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड कैट सूट लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड का नाम है न्यूडिस्ट पीच. सो इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल न्यूड पीच कलर, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट मैट टेक्सचर है. स्टार्टिंग में लगाते हुए बहुत सॉफ्ट है और अच्छी है लगने में. एंड एप्लीकेटर का शेप थोड़ा अलग से ऐसे कर्व करके जा रहा है आगे, तो जिससे ये बहुत प्रिसाइसली लग जाती है एंड लिप्स थोड़े प्लम्पी और अच्छे भी लग रहे हैं विच आई लाइक. मीडियम टू फेयर स्किन टोन्स पर ये लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लगेगा जो मैंने लगाया हुआ है, स्पेशली इफ़ यू पेयर इट अप विथ कोल्ड आइज और थोड़ा सा स्मोकी आइज या थोड़ा हैवी आई मेकअप के साथ. ओके सो आई हैव फोर मोर लिपस्टिक. अगर इसका लिप्स वॉच वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट कलर जो मेरे पास है वो है ये रिबेल रोज. रिबेल रोज इज़ अ ब्यूटिफुल न्यूड मॉव कलर जो डस्की स्किन टोन से फेयर स्किन टोन्स पर चलेगा एज पर द पैकेजिंग. एंड
देन नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये ब्यूटीफुल सा पीच कलर जिसका नाम है कोरल करप्शन. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोरल लिपस्टिक जो मैंने थोड़ी देर पहले लगाई हुई थी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी. लाइक बहुत प्यारा कलर है बट डस्की स्किन टोन्स पर नहीं चलेगा, मीडियम टू फेयर पर चलेगा ये पीच कलर. एंड देन मेरे पास है यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा पर्पल अंडरटोन वाला डार्क पिंक कलर जो कि पर्पलिश पिंकिश पर्पल है, काफ़ी पर्पल है, पिंक अंडरटोन वाला पर्पल है एक्चुअली. सो इसका नाम है नाइस टू फूशिया. लविंग द कलर, लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस आउट. मम्मी को बहुत पसंद आया है कलर एंड मम्मा को अगेन ये वाला कलर भी बहुत पसंद है, सो शी वॉन्ट्स टू ट्राई दीज आउट. बट अभी मैंने खोली ही नहीं है ये तो. और ये है बेरी रिकोगनाइज शेड. बेरी रिकोगनाइज उतना पर्पल नहीं है एंड ये थोड़ा सा न्यूट्रल है. ये सभी स्किन टोन्स पर बहुत अच्छा लगेगा. पहले वाला भी जो मैंने दिखाया सभी स्किन टोन्स पर अच्छा लगेगा और ये स्पेशली सभी स्किन टोन्स पर एक अलग सा मॉवी बेरी वाला अच्छा सा डार्क लुक देगा. सो आई लाइक दिस कलर. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए हैं purple.com से. सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. एंड प्राइसेस 400-500 कुछ इसके आसपास रहेंगे, तो वो एग्जैक्ट प्राइसेस आपको लिंक्स में पता चल जाएंगे जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं. सो आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरी शॉपिंग देखने में, आपका टाइम पास हो गया होगा, थोड़ा सा लालच भी आया होगा, मन किया होगा कि ये वाला प्रोडक्ट ले लें, ये वाला ले लें. सो होता है ना ऐसे, मैं भी हॉल्स वीडियोज़ मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है एंड बाय गॉड क्या लालच आता है ना कि ये काश मेरे पास होता, काश ये मेरे पास ये होता, काश ये मेरे पास ये होता. मज़ा बहुत आता है. बट आई होप आपके साथ भी होता होगा ऐसा, है ना, या मैं ही अकेली पागल हूँ. एनीवेज बहुत होगी मस्ती, बहुत होगी बातें. मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर, सी यू, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी.